Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये गुड वाइब्स के रोज है रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो ये है रोज हिप शैम्पू, गुड वाइब्स का रोज हिप शैम्पू। ये कंडीशनर है मेरे पास और ये रोज हिप जेल है और ये इसके बारे में सबने सुना होगा। ये रोज हिप सीरम है जिसने जब ये लॉन्च हुआ था ना, इसने धूम मचा के रखी थी। तो मुझे बड़ा मन था काफ़ी दिनों से कि मैं इसको यूज़ करूँ, आखिर ऐसा है क्या रोज हिप। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब ये वीडियो कर लेते हैं कि ये रोज हिप होता क्या है। तो ये रोज हिप एक फ्रूट होता है जो कि रोज़ के प्लांट से ही निकलता है। इसकी स्मेल जो होती है वो बिल्कुल रोज जैसे ही होती है। तो मैं इधर इमेज इंसर्ट कर दूंगी, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये जैम्स में, जेलीज में, टीज जो होती है उसमें, वाइन्स में, इन सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट में, हेयर केयर प्रोडक्ट में ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए इतने सारे प्रोडक्ट्स में ये यूज़ किए जाते हैं। शैम्पू के बारे में अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये जैसे कि इसके सारे शैम्पू ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं, पंप बॉटल होता है जिसको कैरी करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये लॉक अनलॉक हो जाता है तो लीक होने का डर नहीं होता है और आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। दो साइज़ में अवेलेबल है, एक 200 ml का आता है, 120 ml का आता है पैक। ये 200 ml का है और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री ये प्रोडक्ट है। इधर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो इसमें फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, जो की इंग्रेडिएंट है वो तो रोज़हिप ऑयल है, इसके साथ साथ फ्रूट एक्सट्रैक्ट और कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, परफ्यूम भी इसमें है और कलर भी इसमें है क्योंकि ये रेड, बहुत लाइट सा रेड कलर का ये है। और इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो बिल्कुल रोज़ जैसी इसकी फ्रेगरेंस है। तो जिन लोगों ने रोज़ ऑयल भी यूज़ किया होगा बिल्कुल वैसे ही इसकी फ्रेगरेंस है। इसका जो MRP है वो 225 है और आपको आफ्टर डिस्काउंट अंडर 200 मिल जाएगा। ये इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स और जैसे कि नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं, मतलब आप जो जैसे यूज़ करते हो वैसे ही इसको करना है, बस डाइल्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छे से झाग देता है और आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करने का काम करता है, शाइन ऐड करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ऑयल कंट्रोल का काम करता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं और ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं ये गुड वाइब्स के रोज़ हिप कंडीशनर की। शैम्पू कंडीशनर दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों के की इंग्रेडिएंट रोज़ हिप ऑयल है और कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है और भी काफ़ी सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं, ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है, साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री ये प्रोडक्ट है और इसमें भी दो साइज़ में ये अवेलेबल है, एक 120 और 200 ml का। इसके प्राइस की बात करें तो ये 275 rupees का है जिसमें भी आपको डिस्काउंट अच्छे मिल जाएंगे तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। तो शैम्पू करने के बाद आप इसको अपने बालों के एंड्स पे अच्छे से लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट तक रहने दीजिए और फिर बस वॉश कर लीजिए। ये जो कंडीशनर है ड्राई हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है, फ्रीजी हेयर का प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, बालों को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम देता है बालों को, तो ये सारे काम करता है। सारे हेयर टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी फ्रेगरेंस की बात करूँ तो बिल्कुल रोज़ जैसी ही इसकी रोज़ ऑयल, रोज़ का जैसे फूल होता है ना वैसी ही इसकी फ्रेगरेंस है। और इसका जो टेक्सचर है जैसे कंडीशनर होते हैं क्रीमी टेक्सचर वैसा ही है। अभी तक जो भी बातें की वो इसमें मेंशन थी। तो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को लेके कैसा रहा।
तो मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया पर 2-3 बार में ही पता चल गया कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। मैं ऑलरेडी गुड वाइब्स के शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ, बनाना, ऑलिव, ये सारे शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ, पर ये दोनों शैम्पू कंडीशनर कमाल का काम करते हैं। चाहे आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हो या फिर कोई भी हेयर टाइप हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम रहती है तो इसको यूज़ नहीं करें, शैम्पू यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये शैम्पू ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके स्कैल्प को ऑयल फ्री बनाता है। तो अगर आपका ऑलरेडी ड्राई स्कैल्प है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ड्राई स्कैल्प वाले इसको यूज़ नहीं करें। आपका कोई भी हेयर टाइप है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट साथ में मिलके तो कमाल का काम करते हैं। और मैंने कभी इनको अकेले अकेले यूज़ करके नहीं देखा, पर इन दोनों को साथ में यूज़ किया है, बहुत अच्छा ही काम करते हैं, बालों को बहुत अच्छे स्मूथ बना देंगे, आपके बालों को शाइन मिल जाएगी। और बहुत अच्छी बात ये है कि मैं जब भी शैम्पू करती हूँ ना, तो कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं कि एक दिन बाद बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं मेरे, पर इनको यूज़ करने के बाद ना 1-2 दिन तक बाल वैसे ही रहते हैं, वैसे ही फ्रेश लुक आपकी नज़र आती है, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि अगर आप एक अफोर्डेबल शैम्पू यूज़ करना चाहते हो और जो कि कमाल का काम करे, तो आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। पर्पल की साइट पे आपको ये मिल जाएगा, बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ मिलेगा, और ये बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए। और ये दो प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इनका बहुत ही जल्दी मैं रिव्यू करूँगी कि ये मेरी स्किन पे कैसा काम कर रहे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट मुझे अंडर 200 मिले हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अंडर 200 ऐसा काम करने वाले कोई प्रोडक्ट्स नहीं हैं, पर बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला जो इतना सस्ता है और इतना अच्छा काम करता है, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और मैं बिल्कुल कहूँगी कि इसको परचेस कीजिए। परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।